नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में निवेश के नए नए विकल्प तलाशने में जुटी योगी सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक नया कार्यालय स्थापित करेगी। इसका मकसद मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने प्रदेश में निवेश करने, उनके हितों की रक्षा व उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कार्यालय के माध्यम से उन तमाम उत्तर प्रदेश के निवासियों से जुड़ना संभव होगा जो या तो लंबे समय से मुंबई में नौकरी या व्यवसाय के लिए रह रहे हैं या वे जो हर वर्ष रोजगार की तलाश में मुंबई जाते हैं और समय समय पर उत्तर प्रदेश वापस आते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित कार्यालय के माध्यम से मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराकर उन्हें यहां उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उनसे विचार विमर्श करके उनके लिए यहां एक अनुकूल व आकर्षक बिजनेस एनवायरमेंट भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में उनके उत्पादों व सेवाओं के लिए एक विशाल बाजार व मांग है जिसकी वजह से उनके लिए यहाँ निवेश करना लाभप्रद होगा। जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मड़ियायू पुलिस ने चाकू मारकर हत्या करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल व 2 चाकू बरामद किए गए हैं। तत्पश्चात अभियुक्त मंगेश यादव की निशानदेही पर मुकदमा प्रोक्त की घटना कारित करने में प्रयुक्त 2 चाकू बरामद किए गए और अब बाद गिरफ्तारी अभियुक्त गणों को जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर में एक हत्या की घटना का सफल अनावरण हुआ है। ये घटना बनाम अज्ञात पंजीकृत हुई थी 2/3 मई की रात में। कमलेश यादव निवासी गंधौना थाना रामपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में थाना मड़ियाहू अंतर्गत हरिहरपुर गांव में एक खेत के किनारे चाकुओं से क्षत विक्षत डेड बॉडी बरामद हुई थी। उनके घर वालों की तहरीर पर इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था लेकिन ये अज्ञात था कि किसने हत्या की है, ये स्पष्ट नहीं था। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद थाना प्रभारी मड़ियाहू और उनकी टीम स्वाट सर्विलांस सब ने मिलकर इस घटना का बहुत ही कम समय में सफल अनावरण किया है क्योंकि इस घटना में कई लोग शामिल थे और इस घटना में कुल इसका अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार आज किया गया है और 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है जिनको जेल भेजा चुका है। इस घटनाक्रम में जो ये घटना हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ कि 28 अप्रैल को मृतक कमलेश यादव और उसके सहयोगी शिवा दुबे के द्वारा इन अभियुक्तों से मारपीट की गई थी। इस मारपीट से जो ये अभियुक्त हैं जो इस घटनाक्रम में गिरफ्तार हुए हैं और जिन्होंने कमलेश यादव की हत्या की, ये काफ़ी उससे क्षुब्ध थे और उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि कमलेश यादव की हत्या करनी है। उस दिन इनको मौका मिल गया, ये एक बर्थडे पार्टी से निपटने के बाद ये लोग हरिहरपुर के आसपास ही एक शादी समारोह में ये शामिल होने जा रहे थे और वहाँ उस शादी के बाद ये घटना हुई और सुबह इनकी डेड बॉडी कमलेश यादव की हरिहरपुर में मिली। तमाम मैनुअल एविडेंस और संदिग्ध लोगों से पूछताछ और साइंटिफिक एविडेंस के बिना पर इस घटना का सफल अनावरण हो गया है और इस घटना का जो मास्टरमाइंड है मंगेश यादव, ये बरसठी के रहने वाला है, ये भी गिरफ्तार हो गया है और इसके सहयोगी अनिकेत, नंदूपाल, विशाल यादव, राहुल यादव। बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जेदारों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर प्राधिकरण की 75 करोड़ की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। बरेली विकास प्राधिकरण की भूमि पर काबिज अवैध कब्जेदारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूर्व में इन अवैध कब्जेदारों को रियायती दरों पर प्राधिकरण के प्लाट प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। इन अवैध कब्जेदारों को बिना डाउन पेमेंट के 10 वर्षों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। जो लोग प्लाट लेने के इच्छुक नहीं थे उन्हें बार
बार बोला गया था कि वे अपनी रहने के लिए व्यवस्था कर लें ताकि अवैध कब्जों को हटवाकर आवंटियों को प्लाट पर कब्जा दिया जा सके। अवैध कब्जों के कारण पुनर्भुगतान के बाद भी बड़े पैमाने पर आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा पा रहा था, लेकिन अब बरेली विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई की गई और 26 अवैध कब्जादारों से अर्जित भूमि खाली करवाई गई, जिसकी कीमत लगभग 75 करोड़ रूपए है। शेष अवैध कब्जेदारों को भी 2 दिन के अवैध कब्जे हटाने के लिए बोला गया था। जो अधिग्रहित जमीन थी बरेली विकास प्राधिकरण की 2004 की, जिसका मुआवजा किसानों को दिया जा चुका था, उसी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने अपने मकान बना लिए थे। उसी भूमि को 20 से 25 मकानों को आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर उस जमीन को जो बरेली विकास प्राधिकरण की थी उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इसकी बाजार की जो कीमत है जमीन की 70 से 75 करोड़ रुपये है। बरेली में महिला सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश भर में महिला की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जागरूकता अभियान विभिन्न स्तरों से चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूपी बरेली शहर में मिशन शक्ति के तहत जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ एडीजी जोन राजकुमार और आईजी रमेश शर्मा ने शहर कोतवाली बरेली से विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शहर में स्कूल कॉलेजों में नारी शक्ति नारी सुरक्षा आदि प्रचार प्रसार सामग्री से सुसज्जित पुलिस बहनों की एडीजी राजकुमार और आईजी रमित शर्मा या डीएसपी मोनिका यादव ने हरी झंडी दिखाकर कोतवाली गेट से रवाना किया। इस मौके पर एडिशनल राजकुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है। महिलाओं पर अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। महिला महफूज रह सके पुलिस विभाग की ओर से समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को और गति प्रदान करने के लिए बरेली जोन के सभी 9 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला सुरक्षा से संबंधित इस खास अभियान की शुरुआत बरेली से हो चुकी है। मिशन शक्ति के तहत एक 2 दिन का कार्यक्रम है, इसका फ्लैग ऑफ हुआ है, जिसमें 1090 से हमारी टीम लखनऊ से आई है। वो बरेली जोन के सभी 9 जनपदों में भ्रमण करके मिशन शक्ति के कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। उसके बारे में शासन की जो नीतियाँ हैं और जो यूपी पुलिस ने कदम उठाए हैं इस और उनके बारे में लोगों को जागरूक करके उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे। क्या है मिशन शक्ति, इससे क्या लाभ मिलेगा हमारा? मिशन शक्ति मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनके अपने के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके साथ कोई अन्याय नाइंसाफी हो रही है उसके लिए वो आगे उठ करके आवाज़ उठाएं। और उत्तर प्रदेश पुलिस हम सब तत्पर हैं महिलाओं की बात सुनने के लिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। महिला अपराध के प्रति हम सभी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, महिला के प्रति कोई भी अपराध होगा घटित होगा उसको किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह भी हम सुनिश्चित करेंगे चार्जशीट लगने के पश्चात अभियुक्तों को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके उनको दंड दिलवाया जाएगा। क्या लगता है इससे महिलाओं को महिला अपराध में रोकथाम होगी, उनको सहायता मिलेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे महिलाएं जागरूक भी हो रही हैं और आगे बढ़कर अपनी समस्याएं हम पुलिस से शेयर कर रही हैं और हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में खासकर बरेली जनपद में विगत 1 माह में कई मामलों में महिला अपराध के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको कन्विक्शन भी हुआ है। तो इस ओर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आने वाले दिनों में महिलाओं के प्रति अपराध शून्य करना हम सभी का ध्येय और मकसद रहेगा। जौनपुर पहुंचे यूपी सरकार के कृषि एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा है कि 100 दिनों के अंदर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि ना पाने वाले किसानों को भी 100 दिनों के अंदर निधि मिलेगी और इसके साथ ही किसानों को बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जौनपुर पहुंचे थे। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, विधायक रमेश सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है। देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जौनपुर में विकास से संबंधित सारी चीजों की समीक्षा बैठक विभागवार हम लोगों ने की है, क्योंकि जो पिछली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए थे उन योजनाओं को पास किया था, उनकी समीक्षा करी और उनको जल्दी पूर्ण करने का एक अभियान के रूप में काम करने के लिए निर्देशित किया गया। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि है, उनके विरासत के मामले हैं और दाखिल खारिज के मामले हैं, बड़ी सरकारी योजनाओं का जो काम चल रहा है
निर्माण कार्य चल रहा है उनको तेजी लाने की आज समीक्षा की गई है और बहुत जल्दी इस कार्य को पूर्ण करने का काम करेंगे। बड़ी खामियां क्या मिली हैं? 100 दिन के टारगेट में सर जौनपुर के काम ने दिया अजी 100 दिन के टारगेट पे जौनपुर का बहुत सारी योजनाएं 100 दिन में पूरा करने का हमने अभियान चला रखा है और बहुत सारी योजनाएं 100 दिन में हमारी पूर्ण होने वाली है और वो जल्दी आपके सामने आएंगे। सर दो चार योजनाओं का नाम बताइए जिससे आम जनता ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कई निर्माण एजेंसियाँ हैं जो 100 दिन में पूरा करने जा रहे हैं। 100 दिन में हमने ये भी कहा है कि किसानों की सम्मान निधि और जो रह गई है उनको भी 100 दिन में पूरा करने का, हम किसानों को उनको सम्मान निधि देने का काम करेंगे, किसानों को बीमे के तहत जोड़ने का काम करेंगे, उनको उनकी आय दुगनी करने के लिए जो भी अभियान के रूप में उसे चलाने का काम करेंगे। अभी किसानों की शिकायत है गाँव लेवल पर कि छुट्टा पशु की फसल को चौपट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत सारा इंतजाम कर रखा है, बहुत सारी गौशालाएं कर रखी हैं और बहुत अब गौशालों में सारे जन जो वो हैं वो अपने रहे। अखिलेश यादव ने कहा ललितपुर कांड को लेकर क्या थाने पर भी बुलडोजर चलेगा? देखिए ऐसा है, जो कानून के अपने हाथ में लेगा, बात बुलडोजर की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में कानून का राज है और कानून का राज रहे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की फोटो एक नेपाल की वायरल हो रही है उसको आप इस तरीके से ट्रेंड मानते हैं? ललितपुर में किशोरी से गैंग रेप के बाद थाने के प्रभारी निरीक्षक द्वारा लिए गए रेप के मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी आने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गोरखपुर में एक व्यापारी को पुलिस द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। चंदौली की घटना भी सभी के सामने है। उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार आम जनता की समस्याओं को दूर करने की बजाय उनके लिए और समस्याएं पैदा कर रही है। उनकी मानो आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर के आरटीआई लगाकर की जानकारी कर लें कि जितनी भी समाजवादी सरकार में बिजली की परियोजनाएं चालू हुई थी उन्हीं को अगर ठीक तरीके से चलाया गया होता, जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई थी, जो सब स्टेशंस बनाए गए थे समाजवादी सरकार के बनाए गए थे, ये गुजरात से मंत्री आए हैं, इन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने का काम कारखाना अगर किसी सरकार में लगा था तो समाजवादी सरकार में उन योजनाओं को भी ये पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार समस्या बताने के लिए नहीं बनी है, समस्या का समाधान क्या है। और एक मंत्री तो इतना आगे निकल गए कि थोड़ा बहुत कमा लिया करो और पूरा डकार मत जाओ। उन्हें होश ही नहीं है कि मंत्री कौन था उनसे पहले, उन्हें होश ही नहीं कि सरकार किसकी थी उससे पहले। और दूसरी घटना भी वहां सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा और आंकड़ों को सामने रख करके कहा। आज भी अगर हम आंकड़े देखें देश के, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से अगर नोटिसेस कहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को। महिला आयोग ने अगर कहीं सबसे ज्यादा नोटिसेस भेजे हैं तो उत्तर प्रदेश। और पुलिस की कहानी देखिए आप, ये तो दबाव बन गया, समाजवादी लोग निकल पड़े जिसके कारण उन्हें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।